हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। अब खबर यमुनानगर से, जहां पर कैंप इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी पर गोली चला दी। गोली लगने से महिला घायल हो गई। वहीं मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि दंपति के बीच तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसी बीच आरोपी पति को सूचना मिली थी कि उसकी पत्नी अपने किसी दोस्त के साथ बाइक से कैंप की तरफ जा रही है, जिसके बाद आरोपी पति गुस्से से आग बबूला हो गया और गुस्से में पत्नी पर गोली चलाकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया है। सोनिया नाम की लेडीज है, इसका अपने पति के साथ कोर्ट के अंदर तलाक का केस चला हुआ था। तो इस केस के दौरान इसका जो एक मित्र है, दोस्त है, तो रोबिन नाम का, वो उसको मिलने के लिए आई हुई थी। जैसे उसके पति को पता लगा कि उसको मिलने के लिए आ रहे हो, ये मोटरसाइकिल पे कैंप से जा रहे थे। जैसे उसको पता चला तो उसके पति ने उसका मोटरसाइकिल पे चलते हुए गोली मारी और एक अलग से पार्टी बनाई गई है। उसका जो जिसने उसके पति ने उसका गोली मारी है, उसके लिए पार्टी बना के उसको राउंड अप करने के लिए उसको टीम जा चुकी है।